हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए जो स्कीम्स लाई जाती है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में जब आप लोगों को करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले तो उनके बारे में प्रॉपर आपके पास नॉलेज हो और करेंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत ना हो। इसीलिए इस क्लास में हम लोग झारखंड के प्रॉपर डेली और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया कि इस क्लास में हम लोग करते क्या है। बात आइए कि इस क्लास में और क्या करते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी लिंक करते हुए चलते हैं, रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में सभी करेंट अफेयर्स को समझ पाए। गर्मी बहुत जोरों शोरों से दे रही है और गर्मी जो है अपने हाइएस्ट पीक पर है, तो इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए ये क्लासेस ली जा रही है। बस इसका कारण ये है कि आप लोगों को करेंट अफेयर्स के बारे में पता चल सके। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड सरकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि झारखंड सरकार ने क्या किया है। चलिए, जो भी लोग नए हैं क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारी ये वीडियो आगे चल के रिकमेंड हो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारी क्लास आपको हो सकता है कि फ्यूचर में रिकमेंड ना हो, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। आइए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है, ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करंट अफेयर है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि लोकसभा का इलेक्शन हो गया, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन जब हो गया तो झारखंड में 2024 में ही विधानसभा का इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। किस चीज का, विधानसभा का इलेक्शन। कब है सर विधानसभा का इलेक्शन, तो आपको नवंबर दिसंबर में झारखंड में विधानसभा का जो इलेक्शन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब विधानसभा के इलेक्शन में सभी पार्टियां अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाएगी, एड़ी से सर तक का जोर लगाएगी, किसके लिए, जीतने के लिए। चाहे हम लोग बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, तो वो पार्टी अपने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, ठीक है। तो इसी में एक कदम आगे बढ़ गई है कौन, झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया है, या फिर कहें कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन के द्वारा एक घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है, तो चंपाई सोरेन के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड सरकार अब झारखंड के लोगों को घरेलू बिजली के उपयोग करने के लिए 200 यूनिट बिजली प्रति महीने देगी। समझिए क्या कही है झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा यह घोषणा किया गया, क्या, कि झारखंड सरकार के द्वारा घरेलू उपयोग करने के लिए 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप आज का पहला करंट अफेयर देख रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। पहले आप इस हेडिंग को पढ़ लें, हेडिंग को पढ़ने से आपको बहुत सी चीजें हैं जो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए सिनेरियो क्या रहा है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की। अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बहुत सारे रहे हैं, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हेमंत सोरेन के बारे में। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले ये घोषणा किया था, क्या, और उन्हीं के द्वारा ये योजना को लाया भी गया था। हेमंत सोरेन के द्वारा क्या लाया गया था, हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहा गया था कि हम झारखंड के लोगों को 100 हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया था कि हम झारखंड के लोगों को 100 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में देंगे,
ठीक है। उसके बाद जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। और चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड कैबिनेट का मीटिंग हुआ, झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में चंपाई सोरेन और झारखंड कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का घोषणा हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था, उसे बढ़ाकर 125 यूनिट करते हैं। तो फाइनली झारखंड सरकार के द्वारा 125 यूनिट बिजली को फ्री में देने का घोषणा किया गया, या फिर कह सकते हैं कि फैसला लिया गया। अब जैसे जैसे एग्जाम, सॉरी एग्जाम कह रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो झारखंड सरकार अपना यूनिट जो है धीरे धीरे बढ़ा रही है। एग्जाम नजदीक आ रहा है तो अपना यूनिट बढ़ा रही है। पहले 100 यूनिट था, 100 यूनिट से 125 यूनिट किया, अब झारखंड सरकार कह रही है कि हम जो है 200 यूनिट बिजली हर महीने घरेलू उपयोग के लिए लोगों को फ्री में देंगे। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आई होप तो पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, क्या कुछ रहा है सिनेरियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो लाभ है झारखंड के 40 लाख परिवारों को दिया जाएगा, झारखंड के 40 लाख परिवारों को। ठीक है, अब आप में से कई लोग होंगे जिनके मन में एक डाउट होगा, क्या सर, कि सर हमारे घर में 250 यूनिट बिजली का उपयोग होता है हर महीने, तो क्या सर हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर आपके घर में 250 यूनिट बिजली का उपयोग होता है तो 200 यूनिट बिजली आपको फ्री में मिलेगी, बाकी 50 यूनिट बिजली का आपको बिल पे करना पड़ेगा। अगर आपके घर में 300 यूनिट बिजली का उपयोग होता है तो 200 यूनिट आपको फ्री में मिलेगी और बाकी 100 यूनिट बिजली का आपको बिल पे करना पड़ेगा। अगर आपके घर में 400 यूनिट बिजली का कंजम्पशन होता है, उपयोग होता है, तो उसमें से 200 माइनस हो जाएगा और 200 का आपको बिल के पे करना पड़ेगा। चाहे आपके घर में जितनी भी बिजली का खपत होता हो, उसमें से 200 यूनिट बिजली आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारा पहला सिनेरियो, आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री की, झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये आप झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री देख सकते हैं, कौन है, चंपाई सोरेन झारखंड के अभी मुख्यमंत्री हैं। अगर हम लोग व्यक्तियों की बात करें, व्यक्तियों में, तो चंपाई सोरेन झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री हैं व्यक्तियों में। और अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्रियों की, तो चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं व्यक्तियों में। सबसे पहले व्यक्ति बने कौन, झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। उसके बाद कौन बने, अर्जुन मुंडा। उसके बाद कौन बने, शिबू सोरेन। उसके बाद कौन बने, हाँ मधु कोड़ा। उसके बाद कौन बने, हेमंत सोरेन। उसके बाद कौन बने, रघुवर दास। और उसके बाद चंपाई सोरेन। तो व्यक्तियों की बात करेंगे, 7वें व्यक्ति, यानी यही 7 व्यक्ति हैं जो कि झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने व्यक्तियों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है, तो टोटल 7 व्यक्तियों। कौन कौन है वो 7 व्यक्ति, तो देखिए पहले हो गए बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उसके बाद शिबू सोरेन, उसके बाद मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, 7वें व्यक्ति। झारखंड के कितने मुख्यमंत्री बने हैं ये, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। यहां तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। क्लियर, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोरहाबादी के रामदयाल मुंडा सभागार में 2 काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया। यह है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। क्या है, मोरहाबादी, मोरहाबादी कहां पे है आप सभी को पता होगा, मोरहाबादी है रांची में। तो मोरहाबादी के रामदयाल मुंडा सभागार में 2 काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया। ठीक है, अब ये 2 काव्य संग्रह कौन कौन है और किनके द्वारा लिखा गया है। पहले 2 काव्य संग्रह के बारे में देखिए, बख्तियारपुर और सपना और सच, ये 2 काव्य संग्रह है। ठीक है, मोरहाबादी के डॉक्टर रामदयाल मुंडा सभागार में 2 काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया, जिसका नाम क्या है, बख्तियारपुर और सपना और सच। ठीक है, बख्तियारपुर, सपना और सच। अगर बख्तियारपुर की बात करें तो बख्तियारपुर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बख्तियारपुर लिखा गया है विनय सौरभ के द्वारा। किसके द्वारा, विनय सौरभ के द्वारा बख्तियारपुर
लिखा गया है, ठीक है। सपना और सच ये भी एक काव्य संग्रह है और ये लिखा गया है सुधीर सुमन के द्वारा। किसके द्वारा? सुधीर सुमन के द्वारा। तो याद रखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बख्तियारपुर कविता संग्रह या फिर बख्तियारपुर काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनय सौरभ के द्वारा। सुधीर सुमन के द्वारा कौन सा काव्य संग्रह लिखा गया है? सपना और सच, ठीक है। तो ये आप बख्तियारपुर को भी देख सकते हैं और आप देख रहे हैं दो काव्य संग्रह का लोकार्पण भी किया जा रहा है। तो एक तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं दो काव्य संग्रह का लोकार्पण किया जा रहा है और एक तरफ आप देख रहे हैं बख्तियारपुर काव्य संग्रह, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सपना और सच की तो उसका तस्वीर मिला नहीं है, अगर मिलता है तो टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड के लिए एक और बहुत ही गौरवशील समय आ गया है। क्या आ गया है? गौरवशील समय। कैसे? झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी अंकिता भगत ने पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। यानी झारखंड की तीरंदाजी खिलाड़ी अंकिता भगत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए ये क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। आप देखिए, समझिए सिनेरियो क्या रहा है। आपको कुछ दिन पहले का करंट अफेयर याद आ रहा है? आप बोलेंगे सर कौन सा करंट अफेयर, जिसमें आप लोगों को कहा गया था कि झारखंड खेल निदेशालय के द्वारा एक फैसला लिया गया है। क्या फैसला? कि झारखंड का अगर कोई खिलाड़ी, समझिए ध्यान से, झारखंड का अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता है, चाहे वो कोई भी मेडल हो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी मेडल हो, तो उसे सीधे सीधे डीएसपी की नौकरी दी जाएगी। याद आ रहा है आप लोगों को ये करंट अफेयर बताया गया था? यानी अगर अंकिता भगत, ये तो फाइनल हो गया है कि अंकिता भगत जो है वो झारखंड से हैं और ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ओलंपिक के लिए ये क्वालिफाई कर चुकी है, ठीक है। तो अंकिता भगत ने अगर कोई मेडल प्राप्त कर लिया, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, तो उस मेडल के लिए भारत सरकार, झारखंड सरकार, ये सरकार, वो सरकार, सरकार के द्वारा इनाम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ डीएसपी की नौकरी भी इन्हें मिलेगी। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप इन्हें डीएसपी के पद पर देखें क्योंकि झारखंड खेल निदेशालय के द्वारा ये लिया गया था फैसला। अच्छा, हो सकता है कि ये कोई पदक ना मिले, अगर पदक मिलती है, मेडल मिलता है, तो झारखंड के लिए एक बहुत गौरव की बात होगी। चलिए मैं भी ये दुआ करता हूं, मैं भी ये भगवान से आप प्रे करूंगा कि इनको कोई ना कोई मेडल मिले जिससे हमारे झारखंड का नाम रोशन हो। अगर इन्हें कोई मेडल नहीं मिलता है, गोल्ड, ना गोल्ड मिलता है, ना सिल्वर मिलता है, ना ब्रॉन्ज मिलता है, फिर इन्हें झारखंड के सरकारी नौकरी पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। सोचिए क्या बात है कि झारखंड में अगर इन्हें कोई मेडल नहीं मिलता है तो सरकारी नौकरी पर इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। यानी ये मेडल जीतेंगी तो भी फायदा है, नहीं जीतेंगी तो भी फायदा है। ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिए, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी तो फायदा इनका होने वाला है। तो आने वाले टाइम पे आपको अंकिता भगत जो है वो ओलंपिक में देखने को मिलेंगी, ओलंपिक में ये खेलेंगी और आने वाले टाइम पे ओलंपिक के बाद हम लोग जानेंगे कि इन्होंने कोई मेडल प्राप्त किया है कि नहीं किया है। अगर पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें झारखंड की आर्चरी प्लेयर अंकिता भगत ने क्वालिफाई जो है वो कर लिया है, वो पार्टिसिपेट करेगी। आई होप तो यहां तक आपको याद होगा, मतलब समझ गए होंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप अपने नोट्स बना पाए, और अगर आप लोगों को अंकिता भगत को देखना है तो आप लोग तस्वीर देख सकते हैं अंकिता भगत की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, रांची से देवघर तक होली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। क्या है होली टूरिस्ट कॉरिडोर? देखिए, रांची से देवघर तक, रांची से देवघर तक जितने भी तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे आप एक ही रूट में सभी तीर्थ स्थल को कवर कर पाएंगे। चाहे हम लोग बात करें रांची के तीर्थ स्थल की, चाहे हम लोग बात करें रामगढ़ में जो
छिन्नी मस्तक के मंदिर है जिसे हम लोग राजरप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, चाहे हम लोग जैन धर्म की पवित्र तीर्थ स्थल की हम लोग बात करें पारसनाथ की, उसको जोड़ते हुए देवघर तक निकलेगी। तो रांची से देवघर तक जो पवित्र तीर्थ स्थल है उन्हें जोड़ते हुए एक होली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 201 किलोमीटर का सड़क इस कॉरिडोर में निर्माण होगा, ठीक है। तो रांची से देवघर तक होली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रांची से रामगढ़ बोकारो गिरिडीह होते हुए क्या होगा, तो देवघर तक होली कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। 201 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। चलिए, गर्मी बहुत दे रही है तो आप लोग समझेंगे, कुछ इस तरीके से रांची से रामगढ़ होते हुए, रुक जाइए पहले इसको मिटा लेते हैं, रांची से रामगढ़ होते हुए बोकारो होते हुए गिरिडीह होते हुए और इस तरीके से देवघर तक, या फिर हम लोग बात करें, देखिए रांची से रामगढ़ होते हुए बोकारो होते हुए गिरिडीह एंटर करेगी और गिरिडीह से कुछ इस तरीके से देवघर, कुछ इस तरीके से एक होली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। रांची से रामगढ़ होते हुए बोकारो होते हुए गिरिडीह और उसके बाद देवघर तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत 201 किलोमीटर सड़क का जो निर्माण है वो किया जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सभी का इंटरफेस आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। जो करंट अफेयर्स अभी हम लोग समझे ना, उन्हीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि करंट अफेयर्स को आपको समझ में आया कि नहीं आया और उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर सही से दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को कितने यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की गई है, यह है आज का आपका पहला क्वेश्चन। और जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन ए 125 यूनिट, ऑप्शन बी 150 यूनिट, ऑप्शन सी 200 यूनिट या फिर ऑप्शन डी 220 यूनिट, क्या होगा सही आंसर। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखें, क्या 200 यूनिट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपाई सोरेन के द्वारा ये फैसला लिया गया, या फिर कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि झारखंड के लोगों को घरेलू बिजली के उपयोग के लिए 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बताया गया, अभी बताया गया, क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए चंपाई सोरेन, ऑप्शन बी रामेश्वर उरांव, ऑप्शन सी कल्पना सोरेन या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा चंपाई सोरेन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की, आज के क्लास की पीडीएफ की। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे या फिर हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखें उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेगी, सभी क्लासेस के डिटेल्स मिलेंगे, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोग अभी तक नहीं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं तो उस लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर ना करें, क्लास को करने के बाद टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और क्लास के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बख्तियारपुर किसके द्वारा लिखी काव्य संग्रह है, चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। बख्तियारपुर, अभी हम लोग देखें दो काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया है, बख्तियारपुर और दूसरा क्या था, सपना और सच, सपना और सच बख्तियारपुर, क्या होगा सही आंसर, क्या होगा बख्तियारपुर विनय सौरभ के द्वारा, ऑप्शन बी। देखिए दो काव्य संग्रह था, एक था बख्तियारपुर, बख्तियारपुर विनय सौरभ के द्वारा लिखा गया है और एक था क्या, सपना और सच,
सपना और सच जो है वो सुधीर सुमन के द्वारा लिखा गया है, तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। बख्तियारपुर की बात करेंगे विनय सौरभ, सपना और सच उसकी बात करेंगे तो ये किसके द्वारा, सुधीर सुमन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड की किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, बहुत इजी क्वेश्चन, अभी इनके बारे में डिस्कस किए, आगे चलकर इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये मेडल जीत जाए तो झारखंड का नाम रोशन होगा, तो इनके बारे में आगे चलकर बहुत सी जानकारी है जो आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी आप इन्हें याद रखिए कि पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है, अंकिता भगत ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रांची से किस जिले तक होली कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, पलामू। चलिए जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे आप लोग। रांची से किस जिले तक होली कॉरिडोर का जो निर्माण है वो किया जाएगा, सही आंसर होगा देवघर, अभी बताया गया देवघर। तो इस तरीके से एक बार अगर आप करेंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले करेंट अफेयर को समझना है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं, क्लियर है। कल के क्लास में यह क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित क्या इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 में संघ मित्रा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो सही आंसर होगा सिल्वर मेडल, रजत पदक। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, या फिर कह सकते हैं बेंगलोर, तो बेंगलोर में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 का आयोजन किया गया था जिसमें झारखंड की संघ मित्रा ने 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो संघ मित्रा ने कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये जो है आपके लिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड साहित्य, हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा संथाली भाषा के लिए कितने लोगों को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो संथाली लैंग्वेज के लिए, संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी के द्वारा कितने लोगों को नामित किया गया है, ऑप्शन ए 2 लोगों को, ऑप्शन बी 5 लोगों को, ऑप्शन सी 3 लोगों को, या फिर ऑप्शन डी 4 लोगों को। ठीक है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा सही आंसर, और आपका जो सही आंसर होगा उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका सही आंसर, आपका आंसर होता है ऑप्शन डी 4, कि 4 लोगों को नामित किया गया, तो वो 4 लोग कौन कौन है उनके नाम को कमेंट करना है कि सर ये वो 4 लोग है। मान लेते हैं कि आप आंसर कमेंट करते हैं कि सर 2 लोगों को नामित किया गया है, तो उन 2 लोगों का नाम क्या क्या है, नाम को भी कमेंट करेंगे। तो आप जितनी डिटेल में आपको पता है, जितनी डिटेल में आपको जानकारी है, उतनी डिटेल में आप थोड़ा कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।